हेलो दोस्तों, आपका सुभिका टीवी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सुड का प्रयोग सिखा रहा हूँ। सुड का प्रयोग बताऊंगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स और जो बच्चे ट्रांसलेशन बनाते हैं उनको बहुत मदद मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जब वाक्य के अंत में ना चाहिए लगा हो तो क्या होगा? सब्जेक्ट शुड बी वन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, मुझे बैठना चाहिए, आई शुड सिट। आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। अब इसी का निगेटिव देखिए, आपको नहीं जाना चाहिए, तब इसका फॉर्मूला क्या? सब्जेक्ट शुड नॉट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको नहीं जाना चाहिए, यू should not go। आपको नहीं बैठना चाहिए, you should not sit। आपको नहीं खेलना चाहिए, you should not play। आपको बात नहीं करें, you should not talk। आपको नहीं बैठना। अब देखिए, जब वाक्य के पहले क्या लगा हो, क्या लगा हो तो क्या बनेगा? क्या, जैसे एग्जाम्पल, क्या आपको जाना चाहिए, should प्लस सब्जेक्ट बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या होगा? शुड यू गो। क्या आपको खेलना चाहिए, शुड यू प्ले। क्या आपको बैठना चाहिए, शुड यू सिट। क्या आपको खाना चाहिए, शुड यू ईट। क्या आपको यहां से जाना चाहिए, शुड यू गो हेयर। जब वाक्य के बीच में कब, कहां, कैसे, कितना आदि लगा रहेगा तो ये बनेगा WH क्वेश्चन। जैसे WH फैमिली, जो मैंने टेंस के अपने वीडियो में आपको बता रखा, WH फैमिली में क्या है, वाई, हुम, हुइच, वेयर, शुड, सब्जेक्ट, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, जैसे मैं एक बताता हूं आपको एग्जांपल, देखें, आप को कहां जाना चाहिए तो क्या बनेगा इसका? इसका सीधा देखो, when, कहां, WH क्वेश्चन, when should you go। ठीक है, चलो एक बार मैं इसको ना फिर से रिवाइज करवा देता हूं। should का प्रयोग जब वाक्य के अंत में ना चाहिए लगा, जैसे आपको जाना चाहिए, आपको बैठना चाहिए, आपको खेलना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, ना चाहिए जब, हाँ आपने देखा वर्ड में ना चाहिए, तो आप समझ लो ये शुड का, शुड से इस सब्जेक्ट को बनेगा। तो आप क्या करो, सब्जेक्ट शुड बी वन ऑब्जेक्ट, सीधा फॉर्मूला माइंड में सेट करो और इसको बोल डालो। मुझे बैठना चाहिए, आई शुड सिट। आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। निगेटिव, अब इसी का निगेटिव देखो, जैसे आपको नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो। आपको नहीं बैठना चाहिए, जैसे बहुत लोग बोलते हैं आपको यहां नहीं बैठना चाहिए, यू शुड नॉट सिट हेयर। जब वाक्य के पहले क्या लगा, बहुत लोग बोलते हैं क्या आपको जाना चाहिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको खेलना चाहिए, क्या आपको, बहुत सारे, क्या आपको ना चाहिए जहां लगा हो, अंत में वाक्य के अंत में ना चाहिए, तो शुड सब्जेक्ट भी वन ऑब्जेक्ट। शुड यू गो, शुड यू गो, शुड यू सिट। क्या मुझे जाना चाहिए, शुड आई गो। जब वाक्य के बीच में कब, कहां, कैसे, कितना आदि लगा तो WH फैमिली, जो मैंने अपने टेंस वीडियो में बता रखा, WH फैमिली में क्या क्या होता है, आप एक बार टेंस के मेरे जो वीडियो है उसको देखें। शुड प्लस सब्जेक्ट भी वन ऑब्जेक्ट, आपको कहां जाना चाहिए, when should you go। चलिए, थैंक यू सो मच,
प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मैं डेली एक वीडियो डालता हूं जो आप लोगों को मदद मिले इंग्लिश इंप्रूव करने में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।